जीतना है। कन्हैया कुमार को जिताएंगे कितने लोग चाहते हैं? तो देखिए जवाब तो हमें यही मिल गया, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपकी लाडली कन्हैया कुमार के लिए है, ये हमें भी पूरी तरह से विश्वास है। और इसीलिए आपके बीच हम लोग आए हैं आपका हौसला अफजाई करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम सब जो प्रगतिशील लोग हैं, हम सब जो चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना हो, हम सब जो चाहते हैं कि गरीबी से छुटकारा मिले, हम सब जो चाहते हैं कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिले, हम सब ये चाहते हैं कि संसद में हम कन्हैया कुमार को पहुंचाएं, ये सब हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। जो बीजेपी के नेता है वो पूरी तरह से इस भाईचारे में खोट डाल रहे हैं, आपको बरबला रहे हैं, आपको बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहती हूँ बहनों और भाइयों कि आप इस षड्यंत्र में मत पड़िए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका संविधान, और उसका संविधान भेदभाव नहीं करता। तो हमें सोच समझ के अपना वोट देना है, हमें अपना वोट उस नौजवान को देना है जो कि हमें यकीन है कि आगे चलकर हमारे लिए खूब अच्छी तरह से काम करेगा, ना कि वो जो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और फिर पलट के कभी भी नहीं जाते। मैं सीपीआई के बीच में पली बड़ी और मैंने देखा है कि ये कितनी साधारण जिंदगी जीते हैं ये लोग, इनमें कोई दुगलापन नहीं है, लेकिन वो सचमुच जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कोई दुगलापन नहीं है। और इसलिए मैं मुबारकबाद देती हूँ कन्हैया को कि वो सीपीआई से खड़े हुए हैं, और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कन्हैया को बहुमत से जितवाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि इस इलेक्शन से ये तय होगा कि आगे चल के हिंदुस्तान और हमारा भविष्य कैसा होगा। क्या ये भविष्य जहां सिर्फ 180 स्क्वायर फीट का हमारा कमरा था और 8 परिवार एक ही बाथरूम और एक ही टॉयलेट शेयर करते थे, 9 साल की उम्र तक मैं उसमें रही लेकिन कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारे पास पैसों की कमी है, क्योंकि हमारे पास जो था वो उससे बहुत बहुमूल्य और बहुत कीमती था, और वो था एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का आदर करना, महिलाओं की इज्जत करना, इंसान दोस्ती का नारा लेना और हमारी जो गंगा जमुनी तहसील है उसको सलाम करना। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में से ही गम को मिटाना होगा। कि जब त्रिकोण कॉन्टेस्ट होगा तो उसमें वोट बटेंगे, हमको वोट बटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा बिल्कुल, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो इस मुल्क का भला चाहते हैं, यहाँ के लोगों का भला चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जो गैर बराबरी है इसको हम पूरी तरह से खत्म कर दें, हर इंसान को बराबरी का हक मिले। कि कन्हैया कुमार को हमको क्यों सांसद में डालना चाहिए, क्योंकि वो नौजवान है, वो एक युवा है, इस देश के 50% लोग 30 साल की उम्र से कम है, 50% लोग, आप देखिए कि ये कितनी बड़ी ताकत है। ये आए हैं वो बताते हैं कि अब के जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के वो कभी भी इतने ऊंचे नहीं थे, 6.1% युवा के पास काम नहीं है, जिसमें से ये भविष्य खराब होगा, ये फैसला हमारे हाथ में है। तो इस जिम्मेदारी को आप पूरी तरह से समझिए, इस बात को समझिए कि धर्म के नाम, जाति के नाम पर जो बांटने की कोशिश की जाती है, अगर हम उस षड्यंत्र में फंसते हैं
तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होता है। तो ये जो है सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान की जो सच्चाई है वो उसकी गंगा जमनी तहसील। मैं एक उदाहरण आप लोगों को देती हूँ, चाहती हूँ कि आप लोग भी तवज्जो फरमाएं। देखिए कश्मीर का जो हिंदू है और कश्मीर का जो मुस्लिम है, इन दोनों के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी कल्चरल टाइज इतनी गहरी है, इनकी कश्मीरियत इतनी गहरी है कि आपस में इन लोगों की बहुत सारे समानता है। अगर आप कश्मीरी मुसलमान और तमिलनाडु के मुसलमान को देखें तो उनमें बहुत फर्क है। हालांकि धर्म दोनों का सही है, एक ही है, लेकिन उनकी भाषा अलग है, उनका मौसम अलग है, उनकी जबान अलग है, उनका खाना पीना अलग है। तो वो अपने आप को कश्मीरी मुसलमान से कम और अपने हिंदू पड़ोसियों से ज्यादा जोड़कर मिलते हैं। तो ये है हमारी सच्चाई। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। मुझे यकीन है कि कन्हैया वो उधार चुकाने का संघर्ष जरूर करेंगे और पहला कदम ये होगा कि आप उनको संसद में अपना उम्मीदवार बनाकर आप उनको भेजें। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। उसमें सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अपना सीधा हाथ ऊपर करें, मुट्ठी बनाए तो ताकतवर होती है। आपने देखा कि शिद्दत से लोग ये कह रहे हैं कि जिस समाज कोई वोट देंगे मुझे, जिसकी वजह से मेरा परिवार अच्छा है, अगर जिस समाज में समस्या है वहाँ आतंक है तो मैं सड़क पे उतरूंगा। उतरना ही चाहिए, इसीलिए आया हूँ मैं। और कन्हैया कौन के लिए क्यों आया हूँ? सुरक्षा मेरा क्या रिश्ता है कन्हैया कुमार से? कि किसान मेरा क्या रिश्ता है आप लोगों से? ये जो है इंसान की रिश्ता है, ये सांप्रदायिक सद्भावना के बारे में बात करता है। कन्हैया कुमार मुझसे छोटा है बहुत सख्त, लेकिन सोच में बड़ा, इसीलिए मैं यहाँ कब्र के लिए। तो मतलब यहाँ जो है कोई कानून नहीं है, यहाँ जो है मैं सब छोड़ के यहाँ आया हूँ, यहाँ सिर्फ एक शख्स आपसे भीख मांगने के लिए। ये तो मुझे नहीं मालूम क्या बात। अच्छा उन्होंने बताया कन्हैया कुमार सिर्फ। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति झांगियानी और आप देख रहे हैं beforeprint.in। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस सून। हाय, दिस इज नेहा मारदा। beforeprint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए एंड डू एवरीथिंग व्हाट दे वांट यू टू डू। beforeprint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है, सो इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज लाइक कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।